हाय, दिस इज दीपंकर बर्मन एंड यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल, दिस इज बर्मन स्टडी। और आज का इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी का जो असिस्टेंट ब्रिज इस जॉब प्रोफाइल के बारे में। इसका पोस्टिंग कैसा रहता है, इसका ड्यूटी आवर्स कितना टाइम का काम करना पड़ता है, क्या क्या काम करना पड़ता है, इसका लीव कितना मिलता है, छुट्टी छटा या फिर इसका प्रमोशन और लास्ट में सैलरी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये जो असिस्टेंट ब्रिज ये जो पोस्ट है ये इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंदर आता है। इंजीनियरिंग मतलब सिविल जो इंजीनियरिंग होता है यही है। अब बात करेंगे कि इसका मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए। जो कि ये ओपन लाइन ड्यूटी है, बाहर जाना पड़ता है, इसीलिए B1 मेडिकल स्टैंडर्ड होना जरूरी है। अब बात करेंगे इसका पोस्टिंग कहां पर होता है। देखिए, ये जो पोस्टिंग होता है ये डिविजनल लेवल पे पोस्टिंग होता है। ऐसा नहीं कि कई बार ये जो छोटा छोटा स्टेशन है हर एक स्टेशन में पोस्टिंग होता है, छोटा मोटा जगह पोस्टिंग होता है, ऐसा नहीं होता है। जो डिविजनल लेवल पे वहीं पर पोस्टिंग होता है तो पोस्टिंग के लिए अच्छा जगह मिल जाता है। और ये डायरेक्ट ये GM का अंदर रहता है। जो भी इंस्ट्रक्शन जो GM माने जोनल लेवल पे जो इंस्ट्रक्शन आता है वही हिसाब से ये लोग काम करता है। मतलब ये लोग जो काम करने का एरिया है ना, ये 100-200 किलोमीटर के अंदर जितना भी रेलवे ब्रिज है वो सब माने इन्हीं का सेक्शन का अंदर में आता है। इन लोगों को जाके काम करके उसको चेकिंग मेंटेनेंस करना पड़ता है। अब बात करेंगे कि ड्यूटी आवर्स कितना का होता है। देखिए, इसका जो ड्यूटी आवर्स है ऐसा कोई फिक्स ड्यूटी नहीं है। कभी कभी आपको माने वहां पर जाके आपको काम करना पड़ता है। अगर काम 2-3 घंटे में भी हो गया फिर आ गए, अगर काम करने में 10 घंटा भी लग सकता है, 12 घंटा भी लग सकता है, ज्यादा भी टाइम लग जाए उस हिसाब से ज्यादा टाइम लग। मतलब ऐसा कोई फिक्स टाइम नहीं है कि अब आ जाएगा ये 8 घंटा काम से चले आए, तो जितना टाइम लगेगा काम करने के फिर आ जाना है, क्योंकि आपको हेडक्वार्टर से दूर दूर जाके रेलवे ब्रिज में जाके वहां पर काम करके आना है। और एक एडवांटेज है, इसमें नाइट ड्यूटी नहीं होता है, तो इसलिए मतलब कोई नाइट ड्यूटी का कोई लफड़ा नहीं है। आप सीधा दिन में जाके काम कीजिए और फिर लौट के आ जाइए अपना हेडक्वार्टर। अब बात करेंगे कि क्या क्या काम करना पड़ता है। देखिए, ये जो रेलवे का ब्रिज है इसका जो खंबा है, ये खंबा कभी कभी चेकिंग करना पड़ता है, खोदना पड़ता है कि अंदर में कोई अंदर से कोई ये मन खराब हो गया कि नहीं, चेकिंग करना पड़ता है। तो ये सब खोदना पड़ता है, साफ सफाई वाला काम, जो कुछ मेजरमेंट टाइप का काम यही सब करना पड़ता है। रेलवे ब्रिज में कहीं पर कोई पैचेस आ गए, कोई पर कहीं रास्टिंग आ गया, उसको उठा के घास घास के उठा के वहाँ पर उसका पेंटिंग करा देना, कहीं पर नाट बोल्ट जो भी है चेकिंग करना, लूज है कि नहीं, थोड़ा इंस्पेक्शन टाइप का काम यही सब करना होता है। अगर पेंटिंग करना है, देखिए अगर पूरा रेलवे ब्रिज को पेंटिंग करना है मास लेवल पे, बड़ा लेवल पे, वो आप लोगों से नहीं होता है, वो प्राइवेट को एक कॉन्ट्रैक्टर को दे देता है, वही लोग आके काम करता है। लेकिन जो छोटा मोटा काम होता है मेंटेनेंस के लिए, उस वहीं पर थोड़ा रंग कर देना, थोड़ा सा पेंट कर देना, ये सब आप लोगों को होता है। कभी कभी जो लोहार का है, आप लोगों को जो काम करने वाला जो सामान है चीज है वो खुद से ही बनाना पड़ता है। मतलब जो लोहार का जो काम है वो भी आप लोगों को करना पड़ता है, आपका जो छेनी है हथौड़ी है वो सब खुद से बनाना पड़ता है। मतलब थोड़ा सा बोल सकते हैं मॉडरेट टू हार्ड वर्किंग वाला काम है। लेकिन अगर आपका काम हो जाने के बाद फुल्ली रिलैक्स, कोई माथे पे कोई टेंशन नहीं, कोई कुछ नहीं, आपका काम हो गया उसके बाद रिलैक्स। अब बात करेंगे कि इसका छुट्टी छाटा लीव कितना मिलता है। देखिए, लीव मिल जाता है, छुट्टी छाटा ठीक ठाक मिल जाता है। और प्रमोशन के बारे में बात करेंगे तो प्रमोशन 3-5 साल में प्रमोशन इसका मिल जाता है, प्रमोशन हो जाता है 3-5 साल में। और बाद बाकी जो डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है उसको देखे आप और भी ऊपर में जाना चाहते हैं तो उसके लिए हो जाता है। इसका सैलरी के बारे में बोले तो देखिए, इसका नाइट ड्यूटी नहीं होता है तो नाइट ड्यूटी अलाउंस नहीं मिलता है। टीए बहुत सारा मिल जाता है, 15 दिन का टीए मिल जाता है, क्योंकि बाहर जा जाके दूर में जाके काम करना पड़ता है, तो 100% टीए मिल जाता है 500 करके हर रोज, 15 दिन का 7,500 के आसपास आपको टीए मिल जाता है। और डिविजनल लेवल पे आपको पोस्टिंग है तो आपको HR बहुत मिल जाता है। HR ज्यादातर यहाँ पर 3,600 वाला HR या फिर 5,400 वाला जो मैक्सिमम HR है वही वाला मिलता है। अगर ये सब कुछ पकड़ के अगर नीट सैलरी काउंट किया जाए, नीट सैलरी आपको 32 से 33 हज़ार, मतलब 32 से 33 हज़ार के आसपास आपको सैलरी मिल जाता है, बन जाता है। तो यही था ओवरऑल पूरा असिस्टेंट ब्रिज इसका जॉब प्रोफाइल के बारे में। आशा करता हूँ जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड किया हूँ बहुत ही हेल्पफुल है। अब ऐसे ही चैनल के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत अच्छे रहिए, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरा फेसबुक या इंस्टाग्राम पेज में जिसका डिस्क्रिप्शन लिंक है। तो बहुत अच्छे रहिए, हैव अ नाइस डे, बाय।